हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ काफी सारी पेंसिल बॉक्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफी धमाकेदार होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक नहीं काफी सारी पेंसिल बॉक्स लाया हूँ गाइस। और आज इस वीडियो में गिव अवे भी होगा गाइस। और गिव अवे क्या होगा गाइस, ये सभी पेंसिल बॉक्स आप सभी की हो सकती है गाइस। इस वीडियो में मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, उसका सही जवाब देने पे सारे लकी विनर जीत सकते हैं ये पेंसिल बॉक्स गाइस। और सवाल क्या है, मैं आपसे अभी शुरू में ही पूछ लेता हूं, क्योंकि आपको पूरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा गाइस। सवाल ये है गाइस, टोटल मैं इस वीडियो में कितनी पेंसिल बॉक्स को अनबॉक्स करी, जिसका सही सही आंसर होगा कमेंट में, उन सभी लकी विनर को वीवी की फन की तरफ से ये सारी पेंसिल बॉक्स दी जाएगी गाइस। यानी 10 लकी विनर होंगे तो 10 लकी विनर को अलग अलग पेंसिल बॉक्स दी जाएगी, 20 होंगे तो 20 लकी विनर को ये सारी पेंसिल बॉक्स दी जाएगी। तो चलो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ आज का कलेक्शन गाइस पेंसिल बॉक्स का। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच व्यू फैमिली की तरफ से। तो पहली पेंसिल बॉक्स है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ये पेंसिल बॉक्स। और सबसे अच्छी बात है गाइस, इसमें है दो चाबी, और दो चाबी कहाँ पे है, इसके अंदर, इस ढक्कन के अंदर। तो काफी अच्छा कमांडमेंट देखने को मिल जाता है, इस चाबी का यूज किया। दोनों चाबी को हम उठा लेते हैं और फटाफट लॉक ओपन करते हैं गाइस। इस चाबी से खुलेगा, इस जगह हम डालेंगे चाबी को, और ये देखो गाइस चाबी डालते ये ऐसा कंपार्टमेंट निकल के आता है इस वाली पेंसिल बॉक्स के अंदर से। काफी अमेजिंग ये पेंसिल बॉक्स है गाइस। इसे बंद कर देते हैं गाइस, लॉक कर देते हैं, लॉक कर दी। सेकंड लॉक को खोलते हैं गाइस, सेकंड लॉक को खोलते ये वाला कंपार्टमेंट ओपन होता है, और इस जगह हम तीन तीन पेन लगा सकते हैं, पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड देखने को मिल जाता है गाइस। काफी अमेजिंग ये पेंसिल बॉक्स है गाइस। और चलो इसका यूज हो गया, और अभी करते हैं हम सेकंड चाबी का यूज। तो सेकंड चाबी को हम इस जगह लगाएंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो शॉर्पनर ओपन हो जाता है गाइस। काफी अमेजिंग शॉर्पनर ओपन हो जाता है इस चाबी से। तो चलो इस चाबी से भी लॉक कर देते हैं हम अपने शॉर्पनर को। चौथे लॉक को ओपन करते हैं तो इसी चाबी से ओपन होगी। तो ये चाबी को खोलते ही ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। तो काफी अमेजिंग पेंसिल बॉक्स है गाइस, और इसके अंदर भी हमें स्पेस मिल जाता है। ये देखो एक छोटा सा स्पेस इस जगह मिल जाता है, और एक और स्पेस मिल जाता है दोस्तों हमें। और इस जगह हम पेंसिल को इस तरह से खुलेगी, और इन दोनों चाबी को हम इस वाले कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो पहली पेंसिल बॉक्स की ये वाली कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। सेकंड पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये है गाइस यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग है। ये देखो इधर से ढक्कन ओपन हो जाता है, काफी अच्छा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऊपर से ओपन करते हैं तो इधर भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। और इस यहाँ एक बटन मिलता है, इसके अंदर दो दो शॉर्पनर मिलते हैं। इस बटन को दबाएंगे तो शॉर्पनर इस तरह से रोटेट हो जाएगा गाइस। ये देखो दो दो शॉर्पनर मिल जाता है, एक छोटा शॉर्पनर, एक काफी बड़ा शॉर्पनर देखने को मिल जाता है। मैं फटाफट आपको ये पेंसिल बॉक्स अनबॉक्स करूंगा और दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि काफी सारी पेंसिल बॉक्स है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ। बस जो मैंने सवाल पूछा उसका सही आंसर देना कमेंट में, और जीत जाना एक पेंसिल बॉक्स गाइस। तो इस चलो इसे बंद कर देते हैं, तीसरे पेंसिल बॉक्स ओपन कर दें। तीसरे है गाइस हमारे पास प्रिंसेस की ये वाली पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग है, काफी खतरनाक है गाइस। इसके बटन को दबाते हैं तो ये दो दो इसमें भी शॉप में मिलता है, इस जगह एक कंपार्टमेंट मिलता है, काफी खतरनाक सा, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसका ढक्कन ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ एक दो तीन चार पाँच पाँच पेंसिल लगा सकते हैं इस कंपार्टमेंट के अंदर। इस वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। बैक साइड में ओपन करते हैं तो बैक साइड में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलो इस पेंसिल बॉक्स को भी रखते हैं, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी दोस्तों। तो चलो फटाफट अगले पेंसिल बॉक्स को उठाते हैं। ये है ये सोफिया की मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस। इसमें चार बटन मिल जाते हैं फ्रंट में दोस्तों हमें। तो यहाँ पे हमें एक बटन को दबाते ही शॉर्पनर ओपन हो गया, दूसरे बटन को दबाते ही एक और कंपार्टमेंट निकल गया, तीसरे बटन को दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ देखो ये बटन दबाते ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है गाइस, काफी अमेजिंग था। और चौथे बटन को दबाएंगे तो ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं तो ढक्कन ओपन करते ही ऐसा कंपार्टमेंट, काफी अच्छा स्पेस वाला कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। बैक साइड में करते हैं, सोफिया की फोटो छपी हुई है दोस्तों, और यहाँ पे हमें नेम और क्लास देखने को मिल जाता है। इस जगह हम अपने नेम भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा कमांडमेंट देखने को मिल जाता है, बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं दोस्तों। अगली है हमारे पास हेलो किटी की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी खतरनाक पेंसिल बॉक्स है। इसमें हमें नेविगेशन भी मिल जाता है, दो दो शॉर्पनर मिल जाते हैं, एक बटन दबाते ही यहाँ इसे
शॉर्पनर का एक गेट ओपन हो जाता है, जो इसमें हमें अपनी पेंसिल को शार्प भी कर सकते हैं दोस्तों। ये है, ओहो, इसके अंदर तो हमें मिलते हैं एक काफी खतरनाक सी टॉर्च, ये देखो लाइट मिल जाती है जिससे हम रात में स्टडी भी कर सकते हैं। देखो लाइट चल रही है, तो काफी अमेजिंग ये पेंसिल बॉक्स है गाइस। और इसमें भी हम एक दो तीन चार पेंसिल को लगा सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें। चलो इससे पहले इसे लगा लेते हैं ठीक से, बाद में लगाएंगे। चलो इसे रख देते हैं, बैक साइड ओपन करते हैं। बैक साइड देखो कि काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है बैक साइड में भी दोस्तों। चलो अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अगले पेंसिल बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है प्रिंसेस की। और इस पेंसिल बॉक्स में खासियत क्या है गाइस, इसे चार्ज कर लेंगे फिर इसमें हम अपना फोन चार्ज भी कर सकते हैं गाइस इस पेंसिल बॉक्स से गाइस। और इस जगह हम कुछ भी यूएसबी लगा के पंखा भी चला सकते हैं या फिर टॉर्च भी जला सकते हैं, काफी अमेजिंग ये पेंसिल बॉक्स है। चलो फटाफट मैं ओपन करके दिखाता हूँ स्पेस कितना है अंदर से। तो स्पेस ओपन, इसे ओपन कर लिया तो ये कंपार्टमेंट मिल जाता है देखने को, अंदर दो दो कंपार्टमेंट है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी गहरी पेंसिल बॉक्स है गाइस। और इसे बंद कर लेते हैं, बैक साइड ओपन करते हैं। बैक साइड में देखो दोस्तों हमें काफी अच्छा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी लाइट वाली यूएसबी पेंसिल बॉक्स गाइस। चलो रख लेते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स ओपन करते हैं। अगली हमारे पास डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी खतरनाक है, दोनों साइड पर डोरेमोन की फोटो छपी है गाइस। और ये है काफी अच्छा कंपार्टमेंट यहाँ में मिल जाता है, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पेंसिल लगाने के लिए स्टैंड मिल जाता है। बैक साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों, बैक साइड में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये देखो काफी अच्छा है ये पेंसिल बॉक्स है डोरेमोन की। चलो अगली ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ, ये है कार ज्योमेट्री बॉक्स, पियानो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। और ये स्टील की है, मेटल की है, बैक साइड में देख सकते हो। और इसे ये मैक्विन की है, कार वाली नहीं है, मैक्विन की पेंसिल बॉक्स है, मेटल वाली है गाइस, देख सकते हो। इस पे पियानो भी बने, काफी अच्छा डिजाइन बनाया गया। चलो इसे ओपन करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमें मिलते हैं यूनिकॉर्न की रबड़, यूनिकॉर्न की पेंसिल, यूनिकॉर्न का शार्पनर और यूनिकॉर्न का गाइस हमें सबसे अच्छा स्केल मिलता है 15 सेंटीमीटर का। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो काफी अमेजिंग था हमें मिला इसके अंदर से स्केल। और क्या मिला इसके अंदर से, चलो और इसमें हमें मिलते हैं दो कंपार्टमेंट गाइस, एक कंपार्टमेंट नीचे घुस गया, इसके नीचे भी एक कंपार्टमेंट है दोस्तों, काफी अमेजिंग ये पियानो वाला बैकिंग की पेंसिल बॉक्स है गाइस। इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये है गाइस प्रिंसेस की हमारी कैलकुलेटर पेंसिल बॉक्स गाइस, ये देख सकते हो कैलकुलेटर हमें मिल जाता है इस जगह हमें दो शॉर्पनर मिल जाते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात है इसमें कैलकुलेटर मिल जाता है दोस्तों, ताकि हमें इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो, इसलिए बहुत ही अच्छी है ये पेंसिल बॉक्स गाइस। और अंदर के ऊपर बात कर लेते हैं तो अब अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस। अब बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस इस पेंसिल बॉक्स के अंदर कैलकुलेटर की वजह से, ये काफ़ी अमेजिंग है पेंसिल बॉक्स गाइस। चलिए इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स ओपन करते हैं। ये है बारबी की गाइस, कार वाली पेंसिल बॉक्स गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी खतरनाक पेंसिल बॉक्स है गाइस। चलो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है गाइस, कार की लुक में ये पेंसिल बॉक्स बारहवीं की पेंसिल बॉक्स है गाइस। चलो इसे ओपन करते हैं, ओपन करते ही गाइस इसके अंदर भी हमें एक कार मिलती है, काफी अमेजिंग सी कार मिली है। और ये कार नहीं है, ये पेंसिल बॉक्स है गाइस, छोटी सी पेंसिल बॉक्स है। ये देखो कितनी खतरनाक पेंसिल बॉक्स है ना यार, मजा ही आ गया, काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है इस छोटी वाली ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। एक और स्पेस मिल जाता है इसके अंदर भी, काफी अच्छा स्पेस है। इस वाले कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाती है दोस्तों, इस कंपार्टमेंट को हटाते हैं तो नीचे तीसरे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग है ये कार वाली बारी वाली ज्योमेट्री बॉक्स। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो अगली पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अगली है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये कौन सी है, एना वाली यानी फ्रोजन वाली पेंसिल बॉक्स गाइस, काफी अमेजिंग है। इसके बटन को ओपन करते हैं तो केवल एक इंटरफेस देखने को मिलता है गाइस। और इसके अंदर केवल हम पेंसिल रखने का सामान मिलता है, ज्यादा स्पेस नहीं है, नॉर्मल सी पेंसिल बॉक्स है। चलो इसे रख लेते हैं हम इस जगह, अगली पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अगली है हमारे पास, ये है एना की दूसरी वाली, काफी स्टाइलिश। और ये है व्हाइट बोर्ड के साथ गाइस, ये व्हाइट बोर्ड है बैक साइड में। और अंदर हमें काफी अच्छा मटेरियल मिलता है स्टडी, तो स्टडी मटेरियल में हमें मिल जाता है शॉर्पनर, इरेजर। और इरेजर पे हम, आप देख सकते हो फ्रोजन की फोटो छपी है और स्केल के ऊपर भी फोटो छपी है फ्रोजन की, काफी अच्छा स्केल मिल जाता है 15 सेंटीमीटर का। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है मार्कर मिल जाता है, मार्कर से हम व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो दोस्तों फिर मिटा लो, यानी हमें एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, काफी अमेजिंग ये पेंसिल बॉक्स है गाइस। चलो इसे भी बंद करते हैं और अगली पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ दोस्तों, सारी चीज़ को बंद कर देते हैं। अगली हमारे पास दोस्तों, ये है एक, ये क्या, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये है स्पाइडरमैन दोस्तों, काफ़ी खतरनाक स्पाइडरमैन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स है। इसमें भी हमें
दो दो शॉप में देखने को मिल जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा शॉप में देखने को मिल जाता है। अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, नॉर्मल सा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलता। बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड में अरे वाह कितना अच्छा स्पेस देखने को मिला है दोस्तों, काफ़ी गजब की ये पेंसिल बॉक्स है। चलो इस पेंसिल बॉक्स को भी रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ भाई। चलो यहाँ पे बारी हो गई, चलो बारी वाली एक और हमारे पास पेंसिल बॉक्स है, एक काफ़ी बड़ी सी पेंसिल बॉक्स है गाइस। इसमें भी दो शॉपनर देखने को मिल जाता है हमें, ये देखो दो शॉपनर। स्पेस की बात कर ले तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है गाइस इस वाली पेंसिल बारहवीं पेंसिल बॉक्स के अंदर। यार मज़ा ही आ गया, गजब यार, खतरनाक यार, मज़ा ही आ गया। चलो बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस। सिंपल सी पेंसिल बॉक्स है बट खतरनाक पेंसिल बॉक्स है गाइस। तो मैंने आपको लगभग काफ़ी सारी पेंसिल बॉक्स दिखा दी, अगली पेंसिल बॉक्स ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये प्रिंसेस की पेंसिल बॉक्स जिसपे लिखा है आई लव फ्रेंड्स, तो काफ़ी अमेजिंग है। बैक साइड में सेम फोटो छपी है। चलो ढक्कन को ओपन करते हैं, तो ढक्कन ओपन करते ही हमें एक दो तीन चार पाँच तो स्पेस मिल जाते हैं, यानी एक पाँच लॉक मिल जाते हैं जिसमें हम पेन पेंसिल या कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। चलो अगले पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस कंपार्टमेंट में मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी खतरनाक है। चलो इसे रखते हैं, नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी अमेजिंग है गाइस, ये है स्पाइडरमैन की पेंसिल बॉक्स, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी खतरनाक है। वो कैसे है क्यों मैं आपको बता दूँ, पहले तो इसमें दो दो रिडीम वाले स्पाइडरमैन दिख रहे हैं। जब इस ढक्कन को ओपन करेंगे तो देखो हमें यहाँ मिलता है कैलकुलेटर, और देखो ऐसे पता नहीं चल रहा कैलकुलेटर है। अब जब हम कैलकुलेटर को इस तरह से घुमा लेंगे दोस्तों, और फिर आगे कैलकुलेटर आ जाएगा गाइस, पता भी नहीं चलेगा, हिडन कैलकुलेटर मिलता है दोस्तों इस पेंसिल बॉक्स के अंदर गाइस। दो शॉपनर मिलते हैं दोस्तों, और बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस है गाइस, और ये फ्रंट में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। काफ़ी खतरनाक पेंसिल बॉक्स है, यूनिक पेंसिल बॉक्स है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अब है हमारे पास यूनिकॉर्न मिनियंस की, मिनियंस की काफ़ी छोटी सी पेंसिल बॉक्स, मिनियंस की फोटो छपी है, बैक साइड में मिनियंस के टेबल्स लिखे हैं, काफ़ी अमेजिंग है। चलो ढक्कन ज्योमेट्री को ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हमें पेंसिल रबर और स्केल देखने को मिल जाता है मिनियंस के गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी छोटी सी पेंसिल बॉक्स है। इसे रखते हैं, अगले पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं, तो ये देखो गाइस, ये है फ्रोजन की, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी छोटी सी एक रोल ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, रोल ज्योमेट्री बॉक्स है, क्योंकि इसमें शॉर्पनर मिलता है और काफ़ी अमेजिंग शॉर्पनर है, बाहर की चाबी के छल्ले की तरह बाहर लटका है शॉर्पनर, और इसके अंदर हमें दो दो शॉर्पनर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और इससे यहाँ पे दो छेद मिलते हैं, और फिर शार्प करेंगे और फिर ढक्कन को खोल के सारा कूड़ा बाहर कर लेंगे। चलो फ्रंट में फ्रंट वाले गेट को ओपन करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में बिल्कुल सेम स्पेस मिल जाता है हमें काफ़ी सामान रखने के लिए, काफ़ी अच्छी अमेजिंग है, छोटी सी है, और इसे बोलते हैं रोल पेंसिल बॉक्स गाइस। चलो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स है गाइस हमारे पास, ये है मैकविन की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफ़ी अमेजिंग है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पेंसिल बॉक्स दिखानी है, वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के आपको पेंसिल बॉक्स दिखा रहा हूँ गाइस। ये है गाइस यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, और इसमें हमें दो दो शॉर्पनर विद एक दो तीन चार पाँच पाँच खाँचे मिल जाते हैं, जिसके अंदर पेन पेंसिल काफ़ी सारे इस रख सकते हैं गाइस। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस, ये देखो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अमेजिंग स्पेस देखने को मिल जाता है। ये है यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स गाइस, काफ़ी लाइट वेट में। इसकी सारी की प्राइस मैं बाद में कमेंट में बता दूंगा, आप कमेंट में मेरे से प्राइस पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई जरूर दूंगा गाइस। अगली पेंसिल बॉक्स खोलते हैं, ये है गाइस मिकी माउस की लुक में, ये है प्रिंसेस की पेंसिल बॉक्स गाइस, और इसमें तीन तीन कंपार्टमेंट है। कैसे कंपार्टमेंट है, फर्स्ट में तो ये देखो इस वाले ढक्कन को ओपन करते ही ऐसा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, सेकंड ढक्कन को ओपन करते तो ये वाला कंपार्टमेंट मिलता है गाइस, बैक साइड में भी एक ढक्कन है, देखो सबसे नीचे हमें एक ढक्कन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी खतरनाक पेंसिल बॉक्स है प्रिंसेस की गाइस, और काफ़ी लाजवाब पेंसिल बॉक्स है गाइस। चलो अगले पेंसिल बॉक्स को दिखाता हूँ, ये है गाइस, ये कौन से, ये फ्रोजन की पेंसिल बॉक्स है गाइस, और इसमें भी हमें दो शॉर्पनर मिल जाता है गाइस देखने को, और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में काफ़ी सिंपल सा स्पेस है गाइस। चलो अगले इस पेंसिल बॉक्स की बात कर ले, तो अगली ये है हमारे पास हेलो किटी की, हेलो किटी की फोटो छपी है इस पर, बैक साइड में कुछ भी नहीं छपा, और यहाँ देखो बटन को दबाते हैं, तो बटन दबाते ही अपने आप ऑटोमेटिक ढक्कन ओपन हो गया। कैसे, ये देखो ये बटन दबाया ओपन हो गया अपने आप पेंसिल बॉक्स, और इसके ये देखो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, और इसमें जो खाँचा है ना जो पेंसिल और पेन रखने का काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अमेजिंग है, स्पेस भी काफ़ी खतरनाक देखने को मिल जाता है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं, अगली हमारे पास ओए हो ये है डोरा की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, काफ़ी बड़ी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी भारी पेंसिल बॉक्स होती है गाइस, और इसमें हमें फ्रंट में तो नेम और क्लास देखने को मिल जाती है, फ्रंट वाले डोरा की फोटो छपी है, बैक साइड में डोरा की फोटो छपी है गाइस, और यहाँ हमें एक स्पेस मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग है गाइस। ये देखो डोरा का फ्रेंड है, डोरा के फ्रेंड का नाम क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रंट में हमें चार बटन मिल जाते हैं, एक दो तीन चार, चारों बटन को फटाफट दबा देते हैं दोस्तों, तो चारों बटन को हमने दबा दिया फटाफट,
तो ये देखो कुछ इस तरह से इंटरफेस देख लेता है, इसमें शॉर्पनर मिलता है, एक शॉर्पनर काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। चलो बंद कर देते हैं इसे और चलो अगले इसे ढक्कन को ओपन करते हैं फर्स्ट फ्रंट में, तो काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस इस कंपार्टमेंट में गाइस। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक दो तीन तीन पेन पेंसिल रखने के लिए स्टैंड मिल जाता है। और इसमें मिलता है एक हिडन कंपार्टमेंट, वो क्या है, एक बटन को दबाएंगे हिडन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है गाइस। और इस बटन को दबाएंगे इसका हिडन बट एक हिडन कंपार्टमेंट भी है गाइस, ये देखो इसे दबाएंगे तो ये अभी निकल नहीं रहा है गाइस, जल्दबाजी में हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो ये देखो इस बटन को दबाते ही निकल नहीं रहा, मैं बाद में निकाल के दिखा दूंगा लास्ट में वीडियो में। तो ये देखो निकल गया कंपार्टमेंट, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ख़तरनाक पेंसिल बॉक्स है गाइस। और इस पेंसिल बॉक्स को मैंने परचेज किया है 400 रुपीज़ की गाइस, तो प्लीज़ इस ये एक लकी विनर जीत सकता है। वो कैसे, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा इस वीडियो में, उसका सही जवाब देने पर ये एक लकी विनर ये पेंसिल बॉक्स जीत सकता है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं। तो अगली पेंसिल बॉक्स है गाइस हमारे पास यूनिकॉर्न की, काफ़ी ख़तरनाक सी प्यारी सी पेंसिल बॉक्स गाइस। इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, दो पेंसिल 15 सेंटीमीटर का स्केल, एक इरेजर, एक शार्पनर मिल जाता है दोस्तों यूनिकॉर्न का गाइस, ये काफ़ी खतरनाक है। बैक साइड में टेबल देखने को मिल जाती है और ये मेटल की है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। अगली है गाइस हमारे पास ये है फ्रोजन की पेंसिल बॉक्स, काफ़ी अमेजिंग है। इसमें भी दो दो शार्पनर देखने को मिल जाते हैं और दो मिल जाते हैं इसमें पेन या पेंसिल होल्डर गाइस। ये देखो दो होल्डर मिल जाते हैं, काफ़ी अमेजिंग है। इसमें पेंसिल और पेन को स्टैंड भी कर सकते हैं गाइस, खड़े कर सकते हैं। और इसमें बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। चलो इसे रख लेते हैं, अगले पाउच को ओपन करते हैं। ये पेंसिल पाउच है, पेंसिल बॉक्स नहीं है गाइस, ये फ्रोजन की है। चलो इसे ओपन करके दिखाता हूँ अंदर से कैसा स्पेस है देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अंदर से, एक दो एक पॉकेट है काफ़ी अमेजिंग से और बाकी स्पेस है गाइस। काफ़ी सिंपल सी पेंसिल पाउच है गाइस, काफ़ी खतरनाक सी है। चलो इसे रखते हैं, अगले पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ दोस्तों। ये है गाइस काफ़ी अमेजिंग, ये है विंटर सीजन पेंसिल बॉक्स गाइस। और इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, मेटल की है, डिज़ाइन देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी प्यारा है गाइस। इसे ओपन करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर भी हमें एक छोटी सी पेंसिल बॉक्स देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये स्पेस की बात कर लें तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ देखो हमें मिल जाता है एक काफ़ी प्यारी सी इसमें एक स्पेस और इसके ऊपर टेबल लिखी हुई है और नीचे वाले कमांड में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों हमें इस तमाम वाली ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। तो अगली है हमारे पास मिनियंस की, बिल्कुल सिंपल सी मोबाइल फ़ोन वाली ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, मोबाइल फ़ोन की तरह ये ज्योमेट्री बॉक्स है, बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है इस पेंसिल बॉक्स में। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है, बस स्पेस काफ़ी अच्छा है मोबाइल लुक में, इसलिए मैंने इसे परचेज कर ली दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ। अगली है हमारे पास ये देखो, ये है हेलो किटी की गाइस, और इसमें भी रिडीम है और इसके अंदर भी सबसे अच्छी बात है हिडन कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया, दो दो शॉप में देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है इसके अंदर। और हमें इस ज्योमेट्री बॉक्स में बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस, काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, काफ़ी लाजवाब, काफ़ी खतरनाक है। नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ, तो ये है मिनी जंबो ज्योमेट्री का मिनी वर्जन गाइस, ये है प्रिंसेस की, काफ़ी अमेजिंग है, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पेंसिल बॉक्स में। और इसमें देखो ये स्पेस है, केवल सिंपल सा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा स्पेस है गाइस। और इसके बैक साइड की बात कर ले तो बैक साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस है, सिंपल सी है बट एक बुक की तरह, नोटबुक की तरह, काफ़ी सिंपल डायरी की तरह ये जो पेंसिल बॉक्स है, बहुत ही अमेजिंग लगती है मुझे तो ये पेंसिल बॉक्स। चलो इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स दिखा दूँ, तो ये है हेलो किटी की गाइस, काफ़ी अमेजिंग है हेलो किटी की, ये मिकी माउस लुक में ही बनी हुई है, हेलो किटी की फोटो छपी है बट इस वाले कमांडमेंट इसमें भी तीन कमांडमेंट देखने को मिल जाती है। देखो ये सारा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस हमें, तो ये देखो, ये देखो कुछ इस तरह के पेंसिल बॉक्स है गाइस। अगली पेंसिल बॉक्स को दिखाता हूँ, ये भी हेलो किटी है गाइस, और सबसे अच्छी बात है इसमें हमें हेलो किटी का स्टडी मटेरियल मिल जाता है। बैक साइड में आपको ABCD देखने को मिल जाती है, टेबल देखने को मिल जाती है। और इसे ओपन करता हूँ तो देखो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अंदर। इंटरफेस क्या है, इसमें हमें कंटेंट मिलते हैं काफ़ी कुछ, शॉर्पनर, रबड़, ये देखो मार्कर भी मिलता है हमें, और इसके अंदर शुद्ध पेंसिल भी मिलती है और स्केल भी देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है मार्कर इसलिए मिलता है हमें इसके अंदर, थोड़ी गंदी हो रही है मैं साफ कर लूँ दोस्तों, तो इसके अंदर हम सवाल को मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं काफ़ी अमेजिंग, यानी 2 2 2 + 2 = 24, मतलब ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं इस वाले हेलो किटी पेंसिल बॉक्स के अंदर, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी खतरनाक है। बैक साइड में हमें व्हाइट बोर्ड देखने को मिल जाता है, देखो व्हाइट बोर्ड मिल गया हमें, और इस वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते ही काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, इसे ये एक लकी विनर को मिल सकती है दोस्तों। चलिए इसे रखते हैं, अगली पेंसिल बॉक्स में आपको दिखाऊं तो अगली है हमारे पास बिल्कुल छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खतरनाक सी, ये है एक प्रिंसेस की पेंसिल बॉक्स गाइस, और इसमें भी हमें प्रिंसेस का सारा मटेरियल मिल जाता है दोस्तों, तो काफ़ी प्यारी सी। चलो इसे रखते हैं, अगले
ज्योमेट्री बॉक्स को दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी ये फ्रोजन की पेंसिल बॉक्स है और इसके अंदर फ्रोजन का सारा सामान मिल जाता है। स्टेल देख सकते हो कितना डिजाइनर कितना स्टाइलिश स्टेल देखने को मिल जाता है इस वाले ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो इसे रखते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं। ये लास्ट है गाइस पेंसिल बॉक्स गाइस, ये हेलो किटी की विद गेम वाली है। इसमें गेम भी खेल सकते हैं हम, तो गेम भी और टाइम पास भी कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी अच्छा इसमें लॉक है, लॉक से ओपन होती है और इसके अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ मोल्ड्स गाइस, कुछ मोल्ड्स मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ये सारी थी आज की हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स का कलेक्शन। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टोटल मैंने कितने पेंसिल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी इस वीडियो में, जिसका सही जवाब होगा उन लकी विनर को सारी पेंसिल बॉक्स दी जाएगी वीवी के फन की तरफ से। यानी टोटल जितने भी पेंसिल बॉक्स उतने लकी विनर चुने जाएंगे, बस कमेंट में सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। टोटल मैंने सुन लो दोबारा, टोटल मैंने कितने पेंसिल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करी आज की वीडियो में, बस सही आंसर दो और जीत जाओ एक पेंसिल बॉक्स गाइस। देखते हैं कौन ये डोरा वाली जीतता है गाइस, ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स और किसका है सही जवाब। तो चलो फट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, वीडियो के साथ अच्छे से टॉय अनबॉक्सिंग के साथ या स्नैक्स की अनबॉक्सिंग के साथ या कलेक्शन ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।